रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद और कद्दावर नेता आजम खान को आज सीतापुर जेल से मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। आजम खान, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम और मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन सहित कई नेताओं पर भाजपा नेता व फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में मुगलपुरा थाने में दर्ज मामले में आज सीतापुर जेल से उन्हें मुरादाबाद कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले आजम खान को मुरादाबाद से छजलेट थाने में दर्ज एक मामले में कोर्ट में पेश किया गया था। आजम खान पिछले 10 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं। कल ही उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को कोर्ट ने जमानत दी है। मुरादाबाद में आज उनकी पेशी को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बैरिकेडिंग की जा रही है। आजम खान की पेशी के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता न्यायालय परिसर में न आ जाएं और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन न करें। कोर्ट में पेशी के बाद आजम खान के वकील शहनवाज ने बताया कि आज मुख्य रूप से जयप्रदा पर टिप्पणी मामले में पेशी थी। अब कोर्ट ने आगामी 7 जनवरी में सुनवाई की तारीख तय की है। क्या तारीख? इधर कर, इधर। देखिए, दो मैटर थाना सेटलेट से संबंधित है। एक वर्ष 2008 का है और एक इसी साल का है। तो दो तो वो मैटर्स थे जिसमें आरोप विकसित किए जाने थे न्यायालय द्वारा। तो दो मैटर तो वो थे और एक थाने का घर से संबंधित है। तीन मामलों में वो आज तलब किए गए थे माननीय न्यायालय द्वारा। पिछली डेट से भी तलब किए जा रहे थे मगर वो किसी कारणवश आ नहीं पाए थे। कटघर वाला मामला वो था कि जिसमें कथित तौर पर ये बताया गया है कि जो अभिनेत्री हैं जयाप्रदा और सांसद भी हैं थी उनके ऊपर किसी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। आज क्या कार्रवाई हुई? आज ये हुआ है कि हमारी ओर से जो चार्जशीट पुलिस द्वारा दाखिल की गई थी उसके विरुद्ध डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव की है के प्रथम दृष्टया इनके विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। साक्ष्य विवेचक द्वारा प्रॉपरली जो कानून के मुताबिक होना चाहिए वो संकलित नहीं किया गया है और जो इसी आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा राज्य द्वारा मुकदमा वापसी का प्रार्थना पत्र भी दिया गया था और उसमें भी उन्होंने ये स्वीकार किया है कि जो आरोप छजलेट वाले केसेस में थे वो निराधार हैं क्योंकि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का भी कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। अदालत द्वारा अग्रिम तिथि क्या निर्धारित की गई? अदालत द्वारा अग्रिम तिथि तीनों मामलों की सुनवाई हेतु 6 जनवरी निर्धारित की गई।